नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खबरों के सुपर फास्ट बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का सिलसिला। भारत और चीन के बीच गहराया विवाद, भारत के कमांडर ऑफिसर सहित 20 सैनिक शहीद। भारत चीन सीमा की सभी चौकियों पर हाई अलर्ट जारी, सीमा पर तनावपूर्ण हालात बरकरार। चीनी मीडिया ने दबाई लद्दाख में भारत के साथ मुठभेड़ की खबरें, मारे गए पीएलए सैनिकों की जानकारी भी नहीं। चीन के भी 43 जवानों के हताहत होने की खबर। ड्रैगन के सामने बेखौफ डटे रहे हैं लद्दाख के चरवाहे, सेना के लिए आंख नाक और कान की तरह करते हैं काम, झड़प के बाद सेना का बढ़ा रहे हैं हौसला। चीन बॉर्डर पर हुई हिंसा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, गालवान में भारतीय जवानों का जान गंवाना बेहद पीड़ादायक, जवानों की बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा राष्ट्र। भारत चीन झड़प पर 36 घंटे बाद सरकार का बयान, पीएम मोदी ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक, चीन से निपटने की बनाई जाएगी रणनीति। 20 जवानों की शहादत के बाद देशभर में रोष व्याप्त, बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा आखिर चुप क्यों है पीएम मोदी। यूपी के आगरा में राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने की चीन की हिमाकत की कड़ी निंदा, चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर किया विरोध, तो वहीं शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। अलवर के माजी कला में युवाओं ने जलाई चीनी उत्पादों की होली, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, तो वहीं चीनी उत्पादों का किया बहिष्कार। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 82 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, तो 4,45,000 से ज्यादा संक्रमितों ने तोड़ा दम, वहीं 43 लाख से ज्यादा हुए स्वस्थ। भारत में भी कोरोना का कहर जारी, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,54,000 के पार, तो अब तक 11,903 संक्रमितों ने तोड़ा दम, वहीं 1,86,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। कोरोना की पहली दवा मिलने का दावा, डेक्सामेथासोन से ठीक हो रहे कोविड 19 के मरीज, ट्रायल के शुरुआती नतीजों का WHO ने किया स्वागत। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने करीब 2,000 कोरोना संक्रमितों पर किया ट्रायल, प्रारंभिक रिपोर्ट में डेक्सामेथासोन दवा की सफलता का दावा, कहा कई संक्रमितों की जान बचाने में कामयाब रही डेक्सामेथासोन दवा। 8 साल बाद आज 8वीं बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना जाएगा भारत, पाकिस्तान बोला यह खुशी नहीं बल्कि फिक्र की बात। राजस्थान में भी कोरोना पॉजिटिव मिलने का लगातार जारी है सिलसिला, आज 122 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने, राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या हुई 13,000 के पार, तो वहीं अब तक 309 संक्रमितों ने तोड़ा दम। भारत चीन सीमा पर तनाव का शेयर बाजार पर साया, शेयर बाजार में आई गिरावट, 250 अंक लुढ़का सेंसेक्स, तो वहीं निफ्टी में भी 70 अंकों की गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर करेंगे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार, तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे सीएम गहलोत। सुप्रीम कोर्ट ने दी दिल्ली सरकार को चेतावनी, कहा दुर्दशा उजागर करने वाले डॉक्टरों को ना करें प्रताड़ित, सच्चाई को दबा नहीं सकती दिल्ली सरकार। दिल्ली बीजेपी ने की 3 निगमों के महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदों की उम्मीदवारों की घोषणा, गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम में है बीजेपी का बहुमत। यूपी के हरदोई में पुरुष और महिला सिपाही को चढ़ा टिकटॉक का बुखार, वर्दी पहनकर कार्यालय के अंदर बनाया वीडियो, महिला पुरुष सिपाहियों के टिकटॉक का हुआ वीडियो वायरल, बिलग्राम में तैनात दोनों सिपाही, SP अमित कुमार और CO बिलग्राम ने मांगी रिपोर्ट। अलीगढ़ के भोरा गांव में एक कारोबारी का अपहरण, अपहरणकर्ताओं ने मांगी 20 लाख रुपए की फिरौती, पत्नी ने बदमाशों को 6 लाख रुपए देकर पति को कराया मुक्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रामपुर में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, घटना में एक दर्जन लोग हुए गंभीर घायल, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस के हत्थे चढ़े 4 आरोपी। यूपी के भदोही में जिला पूर्ति अधिकारी मीना सिंह ने संभाला कार्यभार, प्रवासियों के राशन कार्ड बनवाकर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना बताया पहली प्राथमिकता। यूपी के रायबरेली में डफली की थाप पर नाश्ते गाते हुए फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, भदोकर थाना क्षेत्र के पीताम्बरपुरा की है घटना। फिरोजाबाद के दिगतोली गांव में नर्सरी में आया मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, प्रशासन ने किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रफ्तार का कहर, प्रवासी श्रमिकों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलटी, दुर्घटना में बस सवार 41 लोग हुए घायल। मुजफ्फरनगर में कलयुगी भाई ने की छोटे भाई की हत्या, गहरी नींद में सो रहे भाई की कुल्हाड़ी से काटी गर्दन, मकान के विवाद को लेकर चल रहा था झगड़ा, नरसिंहपुर चुड़ियाला गांव का है मामला।
महाराष्ट्र में भूकंप के झटके हुए महसूस, रिएक्टर स्केल पर मापी गई 2.5 तीव्रता। महाराष्ट्र का पालघर रहा भूकंप का केंद्र, तो वहीं अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले ने पकड़ा तूल, सलमान खान, करण जौहर और एकता कपूर सहित 8 लोगों पर केस दर्ज। आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप, तो वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत को बनाया गवाह। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर गरमाई सियासत, आज से शुरू हुई कांग्रेस विधायकों की ट्रेनिंग। सीएम अशोक गहलोत ने की सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन का हुआ संबोधन। राज्यसभा चुनाव की रणनीति में जुटी भाजपा, मतदान प्रक्रिया को लेकर डमी वोटिंग सत्र का आयोजन, तो वहीं विधायक दल की बैठक से पहले शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। बीकानेर के कोलायत में कोरोना संक्रमण को लेकर हेड कांस्टेबल कर रहे हैं जागरूक, रावनेरी बस स्टैंड पर वितरित किए घर पर तैयार किए गए मास्क, लोगों से की सरकार की गाइडलाइन की पालना की अपील। बीकानेर के खाजूवाला में परीक्षा केंद्रों को किया जा रहा सैनिटाइज, सरकार की गाइडलाइन का किया जा रहा पालन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क होगा अनिवार्य। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर पुलिस ने किया सभी को हिरासत में लिया। भरतपुर के कामा में गौ हत्या से लोगों में रोष व्याप्त, पुलिस ने की हत्या के प्रयुक्त औजार बरामद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर के सेमारी में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार जीप, हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग हुए घायल। श्रीगंगानगर के घरसाना में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां शुरू, परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया दवा का छिड़काव। पाली में पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला, प्राथमिक उपचार के बाद पूर्व विधायक हायर सेंटर रेफर, मनरेगा कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे पूर्व विधायक, पूर्व सरपंच के इशारे पर हमले का आरोप। अजमेर में 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाली के सुमेरपुर में घायल महिला की मौत, मामले में पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। 13 जून को पुमावा रोड पर 2 परिवारों के बीच हुई थी मारपीट। नसीराबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गांजा तस्करी करते 2 युवक गिरफ्तार, आरोपियों से 480 किलो गांजा बरामद, हैदराबाद से गुड़गांव ले जाई जा रही थी गांजे की खेप। धौलपुर में चोरों ने मकान को बनाया निशाना, 50,000 की नकदी समेत घरेलू सामान किया पार, लगातार चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। जालौर के सायला कस्बे में शराब की दुकान को हटाए जाने का मामला, ग्रामीणों ने सरपंच का जताया आभार, स्कूल के पास खुली थी शराब की दुकान। बगरू में भ्रूण मिलने से फैली सनसनी, 3 महीने पुराना बताया जा रहा भ्रूण, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा में इस बार पानी की खपत हुई कम, हल्की बरसात में ही सभी बांधों के ओवरफ्लो होने की संभावना। मानसून की तैयारियों में जुटा सुमेरपुर नगर पालिका प्रशासन, बरसात के समय हो जाते हैं बाढ़ जैसे हालात। पाली के देसूरी में तीसरी बार टिड्डी दल का हमला, सिंदरली, मोरखा और सरथूर में पहुंचा टिड्डी दल, परेशान किसानों ने थाली बजाकर किया टिड्डियों को भगाने का प्रयास। टोंक के मालपुरा में विभिन्न विवादों के बीच हुई शांति समिति की बैठक, धार्मिक जुलूस के मार्गों को किया परिवर्तन, प्रशासन के आदेशों की सख्ती से किया जाएगा लागू।